3, heading is stone soup. Stone means what? A small rock, यानी कि छोटा पत्थर, और वो सूप, उसका सूप कैसे रेडी होता है, तो ये थोड़ा लाफिंग लेसन है जिसे बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने के बाद, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. देयर आर टोटल 5 कैरेक्टर्स. 5 कैरेक्टर्स नेम इज मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई, रूपाबाई एंड लास्ट इज ट्रैवलर. सी, लिसन केयरफुली. अ विलेज, अ फ्यू स्मॉल कॉटेजेस स्टैंडिंग क्लोज बाय, दे बिलोंग टू मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई एंड रूपाबाई. इट्स इवनिंग, दे आर चैटिंग आउटसाइड मोतीराम्स हाउस. मोतीराम के घर के सामने ये तीनों कुछ तो बात करते हैं. अब क्या बात करते हैं वो हमारा कन्वर्सेशन नीचे आएगा. मोतीराम बोलता है, योर फार्म प्रोड्यूस वॉज रियली गुड दिस ईयर आई एम टोल्ड. सोना भाई, सो वॉज योर्स आई हियर. मोतीराम बोलता है, आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज इट दो इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट. यानी कि सब लोग अपने अपने प्रोड्यूस बोलते हैं कितना हुआ खेती में, तो मोतीराम बोलता है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई सुन लेगा तो मेरे ही डोर पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा. कुछ ऐसा ही होता है. ट्रैवलर एंटर्स फ्रॉम द कॉर्नर, द विलेजर्स डोंट सी हिम. अब ट्रैवलर एक कोई ट्रैवल करके आता है, तो ट्रैवल उतरता है उस गांव में और एंटर करता है और लोग उसको देखते ही नहीं हैं. फिर क्या इनका कॉन्वर्सेशन चालू है, देखो. हीरा भाई, यू आर राइट, गेस्ट कैन बी नॉनसेंस. सोना भाई बोलती है, आई एग्री स्पेशली अन इन्वाइटेड गेस्ट. मोतीराम, अन इन्वाइटेड गेस्ट आर बेस्ट. ट्रैवलर बिकम नर्वस, डजंट कम फॉरवर्ड. ठीक है, तब ये तो गेस्ट को नॉनसेंस भी बना दिया है. और जो जिनको नहीं बुलाया गेस्ट को खाने पे, वो लोग आते हैं वो और भी नॉनसेंस होते हैं, ऐसा बताते हैं. तो वो ट्रैवलर सुनता है ये बात और थोड़ा और नर्वस हो जाता है कि मैं हेल्प मांगने जाऊँ कि नहीं, क्या चाहिए था उसको हेल्प. आगे देखते हैं. ट्रैवलर बिकम्स नर्वस, डजंट कम फॉरवर्ड, और सामने आता ही नहीं है. और हीरा भाई अभी क्या बोलती है, देखो. ट्रू, आई नेवर वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स. रूपा भाई, डू यू थिंक दैट इज़ राइट, हाउ कैन आई रिफ्यूज देम, जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेस, दैट्स ऑल. सोना भाई बोलती है, यू आर राइट, आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूज. मोतीराम बोलता है, मी टू, फॉर मी चैरिटी बिगिन्स एट होम एंड स्टे एट होम एनी वे, आई मस्ट अटेंड टू माई वर्क नाउ, सी यू. अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी हमारे घर पर आएगा तो हम इसे इग्नोर करेंगे, नए नए बहाने बनाएंगे. तो वो नए बहाने क्या होता है, हम लोग वो ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ऑल नेबर्स अपने घर में जाते हैं और बोलते हैं सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं. दे एंटर देयर होम्स, ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड. और वो जैसे ही सब लोग घर पर जाते हैं, तब ट्रैवलर सबके घर पर जाना शुरू कर देता है. क्यों शुरू करता है, क्योंकि ट्रैवलर ट्रैवल करके आता है कहीं दूर से, तो उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है और रात रुकने के लिए जगह चाहिए होता है. ठीक है, दे एंटर देयर होम्स, ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड. ट्रैवलर बोलता है, व्हाट हार्ड लक, आई एम पुअर, फूड स्टोर. ट्रैवलर, आई एम सो हंग्री बट दिस बंच ऑफ विलेजर्स लुक्स टफ, आई डोंट थिंक दे विल ऑफर मी फूड और रेस्ट बट लेट मी ट्राई. वो अपने मन में ही बोलता है कि सब लोग तो बहुत कठिन लग रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कोई मुझे रहने के लिए जगह और कुछ खाने के लिए दे पाएगा, लेकिन तो भी मैं ट्राई करता हूँ. तो ही नॉक्स ऑन मोतीराम्स डोर, मोतीराम ओपन्स द डोर. अब मोतीराम अपना डोर ओपन करता है. मोतीराम बोलता है, येस, हु आर यू एंड वॉट डू यू वॉन्ट, क्या चाहिए तुमको. ट्रैवलर बोलता है, आई एम अ ट्रैवलर, आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड, कैन आई प्लीज़ हैव सम फूड और प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट.
मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ी प्लेस दोगे क्या आज रात गुजारने के लिए? मोतीराम बोलता, डिनर इज़ ओवर, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, ट्राई एल्सवेयर। अब देखो मोतीराम क्या बोल रहा है, खाना ख़त्म हो गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, अब दूसरी जगह ट्राई करो। शट द डोर विथ अ बैंग, जोर से बंद करता है दरवाज़ा। ट्रैवलर, हाउ रूड, लेट मी ट्राई द नेक्स्ट डोर। फिर नेक्स्ट डोर वो ट्राई करता है, शायद वहाँ कुछ मिले। नॉक्स ऑन सोनाबाई'ज़ डोर, शी कम्स आउट। गुड इवनिंग काइंड लेडी, आई एम अ ट्रैवलर, कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर टू नाइट? फिर से वही क्वेश्चन करता है, क्या मुझे रुकने के लिए जगह दोगे या कुछ खाने के लिए दोगे क्या? सोना बाई बोलती, पुटिंग हर हैंड बिहाइंड अ ईयर, यानी कि जानबूझ के वो नाटक करती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो कान लेके ऐसे खड़ी हो जाती है। व्हाट डिड यू से? ट्रैवलर बोलता है, जोर से बोलता है, अलाउड मतलब जोर से, कैन आई हैव सम फूड, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सोना बाई बोलती है, वुड, वाई, देर इज़ अ प्लेंट इन द फॉरेस्ट, क्या जंगल पूरा खाली हो गया है क्या? फाइंड द फॉलन ट्रीज एंड चॉप ऑल द वुड दैट यू नीड, और जाके वहाँ से काटो। ट्रैवलर बोलता है, आई सेड फूड, आई एम हंग्री। अब उसे फूड को वुड सुनाई देते हैं, तो सोना भाई बोलते हैं, यू एग्री, फाइन देन गो एंड चॉप द वुड। अगर तुम सहमत हो, वो हंग्री को एग्री बोलती, अगर तुम सहमत हो, अगर एग्री करते हो तो जाओ ना काट के आओ ना। फिर गोज़ बैक इन टू द हाउस, और वो अपने घर चली जाती है। फिर ट्रैवलर बोलता है, वेल वेल, दैट वॉज अ क्लेवर एक्सक्यूज, शी प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, लेट मी ट्राई एल्सवेयर। फिर वो समझ गया कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। नॉक्स ऑन हीराबाई'ज़ डोर, अब हीराबाई का डोर नॉक करती है, ये ट्रैवलर करता है। एनी वन एट होम, एनी फूड फॉर अ हंग्री ट्रैवलर, और डायरेक्टली पूछता है कुछ है खाने के लिए ट्रैवलर के लिए। हीराबाई केम्स आउट, अब हीराबाई बाहर निकलती है और क्या बोलता है ट्रैवलर, देखो, गुड इवनिंग मैम, आई वंडर इफ़ आई कुड गेट समथिंग टू ईट एंड प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट, प्लीज़, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे आज के दिन रुकने के लिए और कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या यहाँ पे? हीरा भाई प्रिटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, मतलब कोशिश करती है, ऐसा नाटक करती है, प्रिटेंडिंग यानी नाटक करना, उसकी लैंग्वेज न समझने का वो नाटक करती है। ओ ग्यावा, ऑन डोफ ना ऑन से, ये हम जो कुछ भी जो लब लब बोल रही है, इसको हम पीछे से अगर रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ओ जी को जी ओ पढ़ो, गो अवे, हाँ, ये वो लैंग्वेज ऐसा बोलती है, लेकिन हमको समझ में आने के लिए उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। ओ जी को जी ओ से पढ़ो और पीछे से पढ़ो, ए डब्ल्यू ए वाई, अवे, गो अवे, ऑन फूड एंड नो रेस्ट फॉर एनी वन हियर, ऐसा लिखा हुआ है ये यहाँ पे, समझा? आई डोंट अंडरस्टैंड यू, अब ये भी बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हीरा बाई शेकिंग हर हैंड, नहीं है ऐसा बोलती है। फिर डुक को आप गुड पढ़ो यहाँ से पीछे से, गुड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गो एल्सवेयर, आए समझ में कैसे रीड करना है? तो इस तरह से आपको रीड करना है, और वो ऐसा क्यों लिखा गया है, ताकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अदर लैंग्वेजेस में बात कर रही है, ठीक है? तो इस तरह से लिखा हुआ था वो। गोज बैक इनसाइड लिविंग द ट्रैवलर्स बेविलड्रेड, यानी कि बहुत ही शान घमंड से वो अपना डोर क्लोज कर देती है। ट्रैवलर बोलता, सो दैट वॉज हर ट्रिक, टॉकिंग गिब्रिश, आई एम नॉट डिफिटेड, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, अभी भी वो मांगने के लिए बेचैन है। देखो
knocks on Rupa Bai's door. She comes out. अब रूपा बाई का एक्सक्यूजेस देखते हैं क्या होता है. रूपा बाई बोलती यस हु आर यू यंग मैन. आई हैव नॉट सीन यू अराउंड. मैंने आपको कहीं देखा भी नहीं है आज तक. ट्रैवलर बोलता है आई एम अ ट्रैवलर एंड आई वॉन्डर्ड इफ आई कुड गेट सम फूड एज वेल एज कॉर्नर टू रेस्ट फॉर दिस नाइट. रूपा बाई बोलते थैंक्स अलास माई लाडर इज एम्प्टी. मेरा किचन तो अभी खाली है रसोई. आई एम सो हंग्री माई सेल्फ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट इन द हाउस. मैं खुद भूखी हूँ और मुझे खुद खाने को नहीं है तो मैं तुमको कहाँ से ला के दूँ. ट्रैवलर बोलता है आई एम सॉरी टू हीयर दैट. रूपा बाई आई एम सॉरी टू बट आई कांट हेल्प इट सॉरी टर्न्स टू लीव. ट्रैवलर अलाउड वेट मैडम इफ़ यू आर ऑल्सो हंग्री आई कैन मेक द बोथ सम सूप बट आई होल. ट्रैवलर बोलता है रुको मैडम अगर तुम भी भूखी हो तो मैं क्या कोई सूप बना सकता हूँ. तो रूपा बाई बोलती है बट आई टोल्ड माई लाडर इज़ एम्प्टी आई कांट ऑफर यू एनीथिंग. तो वो बोलती है मेरा रसोई तो सब खाली है मैं तुम्हारी कुछ मदद भी नहीं कर सकती. ट्रैवलर बोलता है ऑल आई नीड इज़ कुकिंग पॉट एंड स्पून एंड सम वाटर. आई हैव मैजिक स्टोन इन माई बैग. When you boil it in water, it makes a delicious nourishing soup. Rupa bhai, really? A magic stone? And all you need is pot of water? I think I can manage that much. Traveler bolta, yes, just a pot of water. Only a big one. अब ये सोच लिया होता है कि अगर मुझे कहीं से मिल नहीं रहा तो मुझे कुछ ही बनाना पड़ेगा मुझे खुद से ताकि मैं खुद अपना पेट भर सकूँ. तो नाटक करता है कि झूठ बोलता है कि मेरे पास एक स्टोन है जिससे मैं बहुत अच्छा डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट सूप बना सकता हूँ. तो उसे सिर्फ क्या मांगता है ट्रैवलर क्या मांगता है एक पॉट मांगता है और थोड़ा सा वाटर मांगता है सूप बनाने के लिए. ठीक है अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टोन सूप कैसा बनता है. ठीक है.